महाराज जयशंकर की। महाराज उन सब सी बालकों की ओर से वो आनर दूध बन कर आया है, दरबार में आना चाहता है, ले आओ उसे बुलाया जाए। जय श्री राम। ओ बानर तू कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है तेरा? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्कंधा का, सुत बाली राज वानर का हूं, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। श्रीमान आपको ज्ञात न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी ना भूल महाशय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, भगनी श्री स्वरूप निखा जी को प्रतिदिन दस वदन देखते हैं, फिर भी अचंभा तो ये है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, यह पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज काल नहीं, ये तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ, है मित्र पिता के जो तेरे, उन पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़ी राज्य की सेना का कल से तू सेनापति हो जाए। ये सेवा करता अवश्य मैं, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, दो चार नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं, पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो वो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को, इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण कीजिए, कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण कीजिए, अन्यथा समझ लीजिए कि श्रीलंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनायक कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, यदि सुला चाहते हैं स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले दे भेज भीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में, फिर स्वयं दबात्रन दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या और कुछ,
मैं जाकर कह दूंगा उनसे, ये सारी बातें साधारण हैं। जाकर कह दूंगा उनसे ये सारी बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो इसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका ही में भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, वो सारी पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री स्वरूप नखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा ना बालिक है, जो नारी का दुख सहता है, दुख में भाई उसका सदा दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तक का, जिस जामवंत पर फूले हो चौथा पन है बुसवट का। नल नील शिल्पी कोरे, क्या जाने युद्ध में आना वो है। भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़ग उठाना वो। बस बस जो कुछ था बस वही है, जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़ कर करीली को, पिंजरे से पंछी चला गया। हैं? ये क्या श्रीमुख ने कथन किया। उस छोटे से वानर ने क्या सचमुच ही लंका दहन किया। अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है। है भाग दौड़ में नामी वो, चिट्ठियां घुमाया करता है। चलते समय कपिपति ने उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वो मेरे, जो कार्य उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही माता सीता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बैठा कर लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज इस समय ज्ञात हुआ, वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं कसोर गया। जह छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद, अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं एक काल जीत मतवाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यामेंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। गुड़शाला में दस मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, आ गई थी दया बलि को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शाम किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में, जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट, शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। काटे हैं तन इंद्र जालिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाली का कैदी हूं। बंद कर उपदेशक का कार्य, रे तपसी का तू दूध है या मेरा आचार्य। तो सुनिए महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे ठाट बाट,
जनपद सुनसान नहीं होंगे, पर यदि अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार दंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर इतना मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राज्य सभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है, तू अपनी शेखी में है, तू अपनी शेखी में है। त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है, दो चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम। तय कर लो रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। हो अधम, सोने की लंका पूर्व ही बनी है, जहां शक्ति विराजत शंभु भगवान की, जाके चारों ओर गंभीर सिंधु, और कौन पुरी है गणलंक के समान की। कुंभकर्ण बंधुमम पुत्र मेघनाथ मेरो, रे सेना अपार है निश्चर महान की। अरे त्रिदीन, इनको तो मैं भले ही जान दे हूं, पर जान दे हूं जान पे न जानते हूं जान। वैभव विलास तेरो जग में विदित है, वैभव विलास तेरो जग में विदित है, पर शत्रुता भली नहीं करुणा निधान की। बाली जैसे वीर हते राम के एक बार से, खर की गति स्वरूप निखाने बखान की। अरे अभागे, तू इतने पर भी ना चेता, भगनी तुम्हारी कीनी बिना नाक कान की। खैर चाहो जान की तो दे दो अब भी जान की, अन्यथा प्यासी है रावण जान की तेरी जान की। अरे मति मंद खलबंदर बकत का आग खोल दे फुर्ती भुजान की, जाके चारों ओर देव नर दैत्य किन्नर दिग्पाल आदि जोड़े खड़े रहत, तहां काम आवेगी सेना बानदान की। अरे त्रिदीन त्यागराज, भाग जा यहां से तू, अब तो खैर नहीं तेरी भी जान की। गे दे जान की, दे देहू जान की, जान देहू जान पे ना जान देहू जान की। जिन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है। अच्छा अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा ये पाव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। पुत्र घननाथ, जय श्री राम। राजन, राजन सेवक के पांव पकड़,
क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उससे क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। मान लो महिमा प्रभु की, लोक में कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान।